सभी को मेरा राम राम। मैं आपका अपना दीपक बेनीवाल और आज हमारे साथ है राजेंद्र भाई। तो इनसे पूछेंगे, इन्होंने जो यूट्यूब चैनल है वो कहाँ से शुरुआत की थी, किन किन तकलीफों का इनको सामना करना पड़े था। तो सबसे पहले नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, सब ना राम राम भाई। तो आपको कैसे आइडिया आया था स्टार्टिंग में कि आपको यूट्यूब चैनल खोलना है? भाई यूट्यूब चैनल का आइडिया तो मैंने बाद में आया, काफी समय बाद। पहले तो मैं जुड़ा था चैनल में और काम करा काफी समय के लिए। किस चैनल पे काम किया था आपने? मैंने बीएसएस मूवी में काम करा और उसके बाद में आपने नया चैनल बनाया? हाँ, बाद में मुझे जरूरत महसूस हुई भाई बना देना चाहिए, ठीक ठाक है, तो मैंने बाद में बनाया। तो आपको कितना टाइम हो गया राजेंद्र की कॉमेडी वाले चैनल पे? राजेंद्र की कॉमेडी पे लगभग 1.5 साल के आसपास हो गए। 1.5 साल की? हाँ। तो अब कैसा प्यार मिल रहा है जनता का? प्यार तो खूब मिला है। प्यारा प्यार मिल रहा है? हाँ। तो जब आपने पहली वीडियो मतलब बनाई थी तब घरवालों का क्या रिस्पॉन्स रहा था? घर वाले नाराज थे। नाराज थे की तो और बड़ा गया शर्म को नहीं नाचता अंडा के गए नाचता अंडा गलिया में गलिया में नाचता अंडा और बड़ा था कैमरे आ गया के पंड है हो के सोदा है हो फिर थोड़े बहुत मान दे भाई कि म्यान लग गया कि मैं चल मरा तीसरा पास फिर थोड़े बहुत ठीक है बीसा काम ताला लग गया अगर कि मैं देन लगे जुगाड़ ना घर क्या गाय पे नंबर कौन पड़े नहीं मेरा काम को चल रहा आपका काम को चल रहा। हां तो गांव वालों का क्या रिस्पांस रहता है आपके इधर? साथ देते नहीं देते? गांव वाले कड़ा साथ देते हैं। कौन ही साथ देते? ना गांव वाले तो देख दिन ए कड़ा बर्बाद हो रहे हैं मेरे के सौदा है के गो है बाकी नु हपा सुवांगले के लिए एक सी कोनी होती बाकी कई भाई सहयोग भी करा कई सा भाई वो तो सोचा कि मैं सौदा होनी हो कि मैं सौदा हां हूं ऐड करे जंग। तो आप मुंबई वगैरह भी गए थे शायद पहले? मुंबई में गया था, मुंबई मेरी कर्म भूमि है तो ओड़े जाके मैंने सीखा सब कमी। क्या सीखे आए थे आप वहाँ पे और किस उद्देश्य से गए थे? मैं सीखो तो नाचना था हूँ लेकिन अच्छा। मैंने कोशिश करी कि भाई डांस वांस भी सीखूँ लेकिन डांस तो मैंने आया नहीं, स्टेप लेने पड़ा है ना तो मेरा दरंडी दिख जाती बार बार। अच्छा। हाँ तो फिर कोशिश करी थी मतलब यूट्यूब पर देख के ऑडिशन वगैरह मैं किसा दी हूँ लेकिन खुश भी हो गया मैं मतलब भी बहुत बढ़िया दी हूँ लेकिन बाद में बॉम्बे में गया ना वहाँ जाए पता चला। हाँ और कैमरे लग गए ना फिर और दिक्कत आई एकदम चस गया जब कैमरे आ गए हर किसी के साथ ही होता राजेंद्र के लिए। हाँ ये तो है ही। हाँ तो कितना टाइम रहे थे आप वहाँ पे? मैं उड़ रहा था लगभग 2.5 साल। 2.5 साल रहे थे? 2.5 साल तक धक्के खाए देखो मैंने लगभग। तो अब आपके घर वाले खुश हैं या नहीं है आप जो ये वीडियो बनाते हो? देखो ये तो फिलहाल भाई नू सब भाई ठीक ठाक सब खुश ठीक ठाक है। हाँ भाई ठीक कर रहा काम सोरा ठीक ठाक। तो आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो आप कहीं पे बाहर गए हो घूमने के लिए और वहाँ पे आपको मिल गए हो राजेंद्र सर हम आपके फैन है ऐसा कुछ सीन? देख भाई फैन तो देख मैं इतना बड़ा कलाकार को नहीं मेरा फैन हो कोई फिर भी आपके साथ मतलब फैमिली बहुत जुड़ी हुई है। हाँ जुड़ा है लोग पीछे तो आवाज भी दे हैं रुक के दे हैं प्यार करें खूब ए फलान दिगड़ ये वो करें तो मैं समझ जाऊँ मन रुक के मारा भाई मिलो भी हूँ अच्छी डाल जुआनी जाऊँ इशार जाऊँ रोहतक जाऊँ तो कई भाई मिले हैं। तो ये स्क्रिप्ट वगैरह कौन लिखता है आपकी वीडियो में? स्क्रिप्ट तो मैं खुद लिखू हूँ। खुद ही लिखते हो? हाँ एक रात जगाना पड़ा है मान ले। पहले लिखते हो उनको या वैसे ही सोच लेते हो? मैं देखो पहले तो सोचू हूँ बैठ के ना भाई उसके ऊपर चीज़ लिखनी चाहिए कोई घटना घटित हो जाए तो वह चीज़ सोचू हूँ भाई इसके ऊपर बन सका है कि फिर उस पर लिखा। हाँ फिर विचार करके आपस में दो चार भजन बिठा के जो बिरजे वर्गे हैं अनपढ़ टाइप के लड़के को नहीं वो थोड़ा रास्ता सही बताऊँ इसमें। तो आपकी वीडियो में कितने मेंबर हैं कितने मतलब आपके ज्वाइन कितने जनों के रखे हैं आपके साथ परमानेंट जो रहते हैं? मेरी वीडियो में परमानेंट तो कोई भी कौन देख कोई भी नहीं है। अरे एक बात था जिंदगी में कोई किसी का साथी है कि भाई भाई हर किसी के रास्ते अलग। हाँ भाई भाई का दुश्मन होती तो छुटा दे सही बात है बाकी ये मजाक की बात है इन्हें दिल बना लियो लेकिन हाँ ये है कि जिसको अच्छा लगे हाँ भाई काम करना है मैंने बस दोस्तों का मनोरंजन करना है अच्छा काम करना है तो वो जुड़ के काम करें अच्छी डाल और किसी ने मतलब कुछ सोच रखे अभी मैं पैसे वैसे कमा दूँ तो देखिए ये सोच मेरे खुद की भी नहीं है और किसी एक्टर की होनी भी नहीं चाहिए सोच यही होनी चाहिए कि मैं किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन कर सकूं बस ये नहीं कि किस तरह से लोगों को हंसा सकता हूं ज्यादा ज्यादा किस तरह से लोगों को हंसा सकता हूं क्योंकि आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो
मैं बनाऊ कॉमेडी भी रोल भी लग जाए मेरा भरोसा ना मैंने तो लेकिन मतलब कोशिश यही रहा मेरा जोर इस बात के ऊपर है देखो अपना जो काम है अपना प्रोफेशन है उससे प्यार करो ठीक है ये नहीं कि मतलब ये सुबह मतलब पैसा कमाना फिर उसका टारगेट तो भटक जाए पैसा कहाँ निकल जाए मैं लगा दूंगा ऐसा फोटो लगा दूंगा मनु कर दूंगा मनु कर दूंगा बस मेरे व्यूज आ जाए मैं पैसा कमा लूँ लेकिन नहीं ये गलत है ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन की कोशिश करो सीखो एक्टिंग सीखने वाली चीज़ है ये नहीं कि मतलब एक्टिंग करना गया ऐसे नहीं आप बॉम्बे जाओगे थिएटर वगैरह जो एक्टिंग क्लास है उड़ा आपको पता चलेगा हाँ एक्टिंग में कितनी गहराई है तो ये बात है भाई तो आपने मुंबई से बहुत कुछ सीखा है मुंबई ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया बहुत धक्के खाए खूब ताने सही लोगों ने खूब मजाक कराया भाई ये देखो साइड में ये भाई सलमान खान का होटल है देख मुंबई का गांव में हाँ गांव तो ये चीज ऐसा बोल होता है गांव का काम का तो सारे काम का ऐसा है सभी गांव का ऐसा ही होता है आप चले जी मुंबई आप नजर लगेंगे आ गया भाई मुंबई वाला आ गया तो सारा वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं तब भी मतलब ये के नाटक कर रहे हैं नू कर रहे हैं ये तो सभी गांव में होता ही है सब वही तो है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है व्यूअर का कि यूट्यूब से आप कमाते कितना हो यूट्यूब तो मैं कमाऊ हूँ वैसे ठीक ठाक कमा जो हूँ कि मतलब मेरा खर्चा चाल जाए हाँ तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन एक आइडिया दे दीजिए कि मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ एक मोबाइल खरीद सकता हूँ एक बुलेट खरीद सकता हूँ भाई देख मैं असल में क्या है एक फॉर्च्यूनर खरीद सकता हूँ ना मैं खान पीन पर जोर दूँ जड घी का मोल ले लिया है मैजनेट की दूध दाद मोल लेने लगे तो ये खर्चे हो जाए नहीं नशा कर देंगे मतलब काम चल जाता है हाँ नशा मैं करता हूँ नहीं भाई देख भाई ये यो मेरा काम चल जाए सीधा दूध मोल ले लिया बना दाऊँ गोटी रोटी खा ले भाई है दूध के लिए सही भाई टब टुकड़ा दूध ले लिया भाई दूध ले उसका भी थोड़ा बहुत है घी ले लिया भाई जड्डा थोड़ा बहुत गूंद कटा लिया जो खर्चा मैं सहन कर सकूँ बाकी जब नूक है भाई तो मोटरसाइकिल लिया बुलेट बढ़िया तो वो काम मेरा सहन मतलब घर का काम चल जाता अच्छी तरह से हाँ घर का काम चल जाए तो अब जो नए नए यूट्यूबर बन रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे लास्ट में भाई नए नए यूट्यूबर जो बन रहे हैं उन खातर मैं ये कहूँगा भाई मनोरंजन करो बढ़िया नाटक दिखाओ इसे दिखाओ जिस तक शिक्षा मिले जनता सही रास्ता बचा ले और हो सके तो कोशिश यह करो कि किमी सीखो एक्टिंग पहले सीखो शायद मैंने सुना था जापान में जो 10 साल थिएटर करे है ना वो ये फिल्म में रोल कर सका है ये कंडीशन है जापान के अंदर हाँ तो पहले एक्सपर्ट हो अपना काम में सीखो फिर बाद में मतलब मदान में उतरो ये नहीं कि मान ले भाई अपना लासी पी दे रहा अपना जब लगा ये भाई कैमरा ऑन करिए या मोबाइल तो ऐसे किसी ने देख के लग गए हाँ मैं किसी ने देखो किसी का हौसला नहीं गिराना चाहता किसी के अंदर नेचुरल टैलेंट भी हो गई इसी बात नहीं है मतलब जो टैलेंट है वो टैलेंट आप हाँ, दिखा सकते हो वो अपनी जगह लेकिन वो निकट भी किस तरह कैमरा किसने निकालना है उस एक्टिंग के बारे में जानो समझो ये करो तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वंदे मातरम